तो पहले मुझे कोरियन ड्रामास बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि मैंने देखे नहीं थे, पर जब से मैंने देखना शुरू करा तो मेरे को पता लगा कितनी तगड़ी तगड़ी नेटफ्लिक्स ने कोरियन ड्रामास निकाल रखे हैं। तो आज मैं आपसे वही 10 कोरियन ड्रामास शेयर करने जा रहा हूँ। बने रहे वीडियो में एंड तक, सारी की सारी बहुत ज़्यादा मस्त रहने वाली है और आपको लिटरली मज़ा आएगा अगर आपने ये सारी कोरियन ड्रामास देख ली। तो स्टार्टिंग करते हैं एक ऐसी रोम कॉम सीरीज से जो कि बहुत ज़्यादा मस्त है। 12 एपिसोड में आपको इतना फंसाएगी ना ये सीरीज़। एक लड़की है जो कि अपनी फ्रेंड की जगह डेट पर गई है, ब्लाइंड डेट पर गई है, और जब वो लड़की वहाँ पहुँचती है तब उसको पता लगता है जो उसका डेट है वो है उसकी कंपनी का बॉस। अब कैसे उनका इंटरेक्शन होता है, क्या कुछ होता है, 2022 की इस परफेक्ट सीरीज़ में आपको पता लग जाएगा। हंसोस के पागल हो गए 12 एपिसोड, वल्ला मज़ेदार। जो 9th नंबर की सीरीज़ है वो आई है 2023 में, क्रैश कोर्स इन रोमांस, एक रोम कॉम, एक स्टार मैथ टीचर जो कि पूरा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरा आग लगा रखी है उसने, उसका सब कुछ है, फिर भी उसका पास्ट उसको खाए जा रहा है। अब कैसे जब उसको एक लड़की मिलती है, एक सिंगल मदर मिलती है, वो कैसे उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, कैसे अपनी ज़िंदगी स्पेंड करता है, कैसे उससे बात करता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस बहुत तगड़ी क्रैश कोर्स इन रोमांस के अंदर। 16 एपिसोड बहुत बड़ी है पर फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, कॉमेडी है, हंस के पागल होगी और साथ में रोना भी पड़ेगा। एक गैंगस्टर कर लेता है एक लड़के को अडोप्ट, अब वो बन चुका है बहुत तगड़ा एडवोकेट, बहुत तगड़ा, मतलब इतना मस्त लगता है ना उसकी चाल वगैरह, इतनी मस्त लगती है। अब उस पिता का हो चुका है मर्डर या सुसाइड या कुछ भी हुआ हो, मर चुका है वो। अब वो गैंगस्टर का बेटा कैसे अपनी ज़िंदगी आगे चलाता है, कैसे अपना एक मिशन है उसका वो पूरा करता है, इतनी मस्त लगती है स्टोरी। पर इसके 20 एपिसोड और एक घंटे से भी ऊपर के एपिसोड्स आपको थोड़ा फील स्लो करा सकते हैं, पर ये विंसेंजो नाम की सीरीज़ आपको इतना हुक करके रखेगी ना, इतना हंसा के रखेगी, क्योंकि इसके अंदर एक गैंगस्टर वाली वाइब भी आती है, साथ में कॉमेडी वाइब आती है, साथ में इसके अंदर इतने तगड़े तगड़े करेक्टर दिखाए जाते हैं और उनकी एक्टिंग, भाई पूरा पागल हो जाओगे आप उनको देखकर। इसके अंदर एक अपार्टमेंट में जाता है, उसके अंदर जो सीन बनते हैं ना, मज़ा आएगा आपको देखने में। विंसेंजो सीरीज जरूर से जरूर देख लेना। अब आते हैं एक्शन कैटेगरी पे। एक लड़की जिसके सामने उसके पिता का मर्डर हो जाता है, अब कौन करता है, कैसे करता है, कौन करवाता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिला है सीरीज़ में। और कैसे वो एक टीम की, एक गैंगस्टर की मदद लेकर कैसे उसको मारने जाती है, वो सब आपको देखने को मिलेगा इस परफेक्ट माई नेम सीरीज़ 8 एपिसोड की में। एक्शन बहुत तगड़ा, ब्रूटल एक्शन दिखाया गया है, खून खराब, और वो जो लड़की का एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं ना, इतने मस्त मस्त, इनफैक्ट रॉयल रंबल टाइप भी आपको फाइट सीन्स दिखाए गए हैं। ये नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है और आप आराम से जाकर देख सकते हो, पूरा फैन हो जाओगे आप इस 8 एपिसोड में इस लड़की के। साथ ही में एक प्यारी सी लव स्टोरी भी चलती है, छोटी सी, पर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, बोर नहीं होने देगी इनसे। एक वर्ल्ड जिसके अंदर पोल्यूशन ही पोल्यूशन भर चुका है, आधी धरती खत्म हो चुकी है, जो बचे हुए लोग हैं उनके सर्वाइवल की जिम्मेदारी एक टीम को दे दी गई है कि उनका खाने पीने का तुम करोगे। अब वो कैसे खाना लाते हैं, क्या कुछ करते हैं, 6 एपिसोड में आप इस नेटफ्लिक्स सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल, बहुत परफेक्ट सीरीज़ दिखाई गई है, 6 एपिसोड में मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी। और ये एक वेबटून से बनाई गई है तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि कैसी रहेगी, और वेबटून का नाम भी ब्लैक नाइट ही है, बिल्कुल 2023 बिल्कुल हाल ही में ही रिलीज़ हुई है और एक्शन से भरपूर है। अब इन टॉप 5 को तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं बनता, तो उससे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक बटन दबा दो और शेयर कर देना ये वीडियो को, क्योंकि कोरियन ड्रामास बहुत तगड़े बता रहा हूँ मैं इसके अंदर जितने भी बताएं। और आगे के 5 तो भाई पोभाल से भी। स्टार्ट करते हैं द साइलेंट सी से। ये बहुत पहले आ चुकी थी 2014 में, पर नेटफ्लिक्स पर अभी 1 साल पहले ही रिलीज़ हुई है। एक वर्ल्ड जो कि पूरा मस्त पानी से बिल्कुल नहीं है, मतलब उसमें पानी ख़त्म हो चुका है, कुछ लोग भेजे जाते हैं मून पर कुछ चीज़ों को वापस से लाने। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पर, मून के अंदर उस जगह पर, फिर वहाँ पर होने लग जाती है मौतें, मतलब जो भी बेस फ्लोर पे हैं वो सारे मर जाते हैं। कैसे मरते हैं ये सब देखना, कौन मारता है ये सब देखना, जितने बंदे बचे हैं वो क्या क्या करते हैं, उनमें कौन अच्छा होता है कौन बुरा होता है, ये सब कुछ आपका साइलेंट सी 8 एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। अब जो ये 4 है ना, ये भी मॉन्स्टर से भरपूर, और मॉन्स्टर ज़ोंबीज ये सब में रहती हैं जो टॉप 4 सीरीज़ है। सबसे पहली सीरीज़ है स्वीट होम।
एक लड़के की फैमिली मर चुकी है, पूरी मर चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका है। अब वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है और जिस अपार्टमेंट वो शिफ्ट होता है और वहाँ से वो सुसाइड करने की कोशिश में रहता है, पर तभी उसको पता लगता है कि उसके पड़ोसी मॉन्स्टर्स बनने लगते हैं। अब जो कुछ बचे हुए सर्वाइवल्स और ये टीनेजर कैसे मिलकर सर्वाइव करते हैं और क्या कुछ इनके बीच में होता है, बहुत मस्त रहने वाला है। मॉन्स्टर तो इतने तगड़े दिखाए गए हैं ना इसके अंदर, जैसे वो मरते हैं मारते हैं, ये सब कुछ परफेक्टली दिखाया गया है। हॉरर ड्रामा सीरीज है और परफेक्ट रहेगी अगर आपको मॉन्स्टर्स वगैरह देखना पसंद है तो, साथ में ड्रामास भी देखना पसंद है। 10 एपिसोड, एक वर्ल्ड जिसके अंदर एंजल्स लोगों को मारने का हुक्म दे रही है कि इसको मार दो, इसको हेल्थ में पहुंचा दो, हेल में ले जाओ। 6 एपिसोड की हेल्थ बाउंड आपको बहुत तगड़ी VFX दिखाती है, बहुत तगड़ी तरीके से कैसे उस बंदे को, एक बंदे को मारा जाता है, कैसे उस बंदे को खींचा जाता है हेल के अंदर, कैसे उसकी रूह को निकाला जाता है, कैसे वो मॉन्स्टर्स जो हेल से आते हैं वो हमको दिखाए जाते हैं इस सीरीज के अंदर। हेल बाउंड बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सीरीज है। 6 एपिसोड डार्क फैंटेसी थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, ये परफेक्ट सीरीज रहेगी अगर आपको थोड़ा सा ही अलग सब कुछ देखना है, कुछ हेल्थ से बंदे निकल के आए, बंदों को लेकर जाएं, उनकी रूह को बाहर निकलते हुए देखना है, तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा मस्त है आपके लिए। पुराने ज़माने में ज़ोंबी वायरस आ चुका है, कैसे पुराने ज़माने के लोग ये इस ज़ोंबी वायरस से दूर भागते हैं, कैसे उससे सर्वाइव करते हैं। 12 एपिसोड हिस्टोरिकल ज़ोंबी पॉलिटिकल और थ्रिलर सीरीज रहने वाली है ये किंगडम, बहुत मस्त रहने वाली है। अगर आपको पुराने ज़माने में कुछ अलग देखना है कि यार पुराने ज़माने में ज़ोंबी आ गए और एकदम से वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं जो बचे हुए हैं, वो आपको इसके अंदर बहुत तगड़ी तरीके से दिखाए जाते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस और जैसे वो मारे जाते हैं ना और वो मरकर जैसे वो जिंदा होते हैं, कैसे उनकी खाल फटती हुई दिखाई जाती है, बहुत परफेक्ट लगता है, बड़ा मज़ा आता है। 12 एपिसोड में ये कोरियन ड्रामा बहुत तगड़ा है नेटफ्लिक्स। अब ये वाली जो सीरीज़ है किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है, ये सीरीज़ का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। ज़ोंबी कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, स्कूल के अंदर आ चुके हैं, कैसे से वायरस फैलता है एक चूहे से और कैसे उन जो बचे हुए सर्वाइवल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं ज़ोंबी वायरस को, बहुत परफेक्ट सीरीज़ दिखाई गई है क्योंकि इस पर आपको एक करेक्टर से प्यार हो जाता है और जैसे उसको उससे प्यार हो जाता है वो करेक्टर मर जाता है। बहुत ही मस्त, पूरा दिमाग ख़राब करा है सीरीज ने, जब वैसे वो बंदे मरते हैं ना जैसे उनसे एक बॉन्ड बन जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। 12 एपिसोड की ये सीरीज ज़ोंबी से भरपूर, एक्शन से भरपूर, रोमांस से भरपूर, एक इमोशन से भरपूर, सैडनेस से भरपूर, ये ऑल ऑफ अस आर डेड। यही थी आज की टॉप 10 कोरियन ड्रामा सीरीज। अगली एनिमे की सीरीज लाऊंगा, अगली बॉलीवुड की सीरीज लाऊंगा, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और सब्सक्राइब बटन दबा देना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।